Subir. अपना आईडी दे दीजिए, सिलाई नंबर बोलिए इसमें से आपका। स्लेट नंबर ऊपर वाला है ना, जो सबसे ऊपर। 2850 1 सेकंड, रजिस्टर्ड एंड न्यू शो करेंगे। रजिस्टर्ड एंड न्यू यूजर ओके देखें। हाँ, सिलाई नंबर बोलिए अपना। 1 2 3 4 8 9। अब देखिए, यहाँ से हम रजिस्टर्ड करने के लिए अब हमको यहाँ पे दबाना पड़ेगा रजिस्टर का बटन, है ना, रजिस्टर। ये रजिस्टर का हमने कर दिया, ठीक है। अब आपका ईमेल आईडी पे मेल आ, 4 नंबर का डिजिट आएगा, ओटीपी भी आएगा, पिन नंबर पे ना आएगा। हाँ आएगा, इस पर भी आएगा और आपके लोकल उस पर भी आएगा। रजिस्टर्ड हमने कर दिया, ईमेल आईडी सही है ना। हाँ, 1 2 3 4 है ना। हाँ यार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टर्म्स एंड कंडीशन करने बाद हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। लोडिंग हो रहा है ना। अब देखिए, इसमें आपका डिटेल आ गया, ठीक है। ईमेल ईमेल एमडी काशिफ राजा आ गया। ओके, ओटीपी दीजिए। आपका ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे। 1 0 1 0 2 5 2 5 6 4 6 4। ओके, 1 2 2 1 0 2 5 6 4 है। हाँ, ईमेल आईडी पे मेल आया होगा, चार कोड ना उस पर भी आया होगा, कंफर्म कोड उस पर भी कोड नहीं आएगा। आएगा ऊपर 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 बोलिए उसको। 2 7 9 6 0 2 7 9 6 9 6 0 0 3 3। ये आपका होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंफर्म कोड आया है। हाँ, यहाँ पे पासवर्ड, आप पासवर्ड क्या डालना है, आपको जो भी पासवर्ड अपने हिसाब से डालना है उसमें डालिए। पासवर्ड नहीं डालते हैं इसे उसका, तो कभी लॉगिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, कभी बुक करना पड़े तो याद रहना चाहिए। अच्छा, 6 नंबर होना चाहिए, 4 नहीं 6 तक हो चलेगा कोई भी। 6 डिजिट। हाँ, 6 डिजिट यहाँ पे लिख रहा है, 6 डिजिट तक चाहिए, 6 डिजिट तक, 6 तक चलेगा, मतलब 8 भी रहेगा लेकिन 6 से कम नहीं है। 8 भी चलेगा। हाँ, चलेगा। इसमें उसको रिपीट कर दीजिए सेम सेम। ठीक है, ये आपको देख कन्फर्म हो गया, ठीक है। ये आपका पासवर्ड ले लिया, अब यहाँ से कर देंगे हम कन्फर्म। अच्छा,
ये हो गया आपका जो कहाँ कहाँ लेना है यही तो चॉइस करेंगे ना, नहीं बता देंगे इसमें अभी शो करेगा पूरा। अच्छा, इसमें आपका पूरा शो होगा कौन कौन सा जगह खाली है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, आयका का लेना है, कब खाली मिले इस साल नज़दीक में। हाँ, नज़दीक हमारे फरवानिया पड़ता है, टैक्सी से जाए पड़ेगा यार। आईके में भी है ना, आईके का ले लेंगे ना, आईके का ले लेंगे। देखिए आपका ये खुल गया, ठीक है। हाँ, ये आपका अब खुल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे इसमें आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद आपको जाना पड़ेगा इसमें क्या ना, अपॉइंटमेंट सर्च में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जाने के बाद आपको अभी खुलेगा धीरे धीरे, ये देखिए। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इतने सारे जो कि आप, ठीक है, इसमें जाना है आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, ठीक है। यहाँ पे दिया है 15 नंबर पे शायद मैं बनाया था एक बार, मिनिस्ट्री ऑफ, ये है ना मिनिस्ट्री ऑफ। हाँ, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे इस कॉलम, यहाँ पे करने के बाद फिर आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा एक जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ओके सर्विस, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। क्या बोलते हैं, बायोमेट्रिक के लिए उसी का है। हाँ, उसी का फिंगरप्रिंट ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आपका सब जितना भी सेंटर है ना यहाँ पे कुवैत में, यहाँ पे सब आपको शो कर रहा है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। अब आपको सबसे नीचे यहाँ पे जाना बायोमेट्रिक इनरोलमेंट में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा पेज है, ह्यूमन एडजस्टेड और सिविल केसेस है, ना छोड़ो नहीं तो आपको बायोमेट्रिक पे जाके यहाँ पे क्लिक करें, ठीक, सबसे नीचे वाले पे। सही। अब इसके बाद आपको जाएंगे, देखो यहाँ पे सब शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितने 14-15 जो कि सेंटर हैं कुवैत में, ऑल ओवर कुवैत में, जैसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज जहारा में है, ठीक है। बाद में ये आपका, हम कहाँ रहते, रिगाई सिटी में रहते हैं ना, तो हमारा सबसे पड़ेगा नज़दीक में एवेन्यू मॉल, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं कितना जगह है कि नहीं, उसके बाद हम फिर बैक जाके आयका जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम दिखा रहा आपका इस डेट में, यानी कि 3 मार्च है ना। हाँ, ये में आपका 60 में 60 बुकड है। अच्छा, 60 का कैपेसिटी है आज 3 तारीख में, लेकिन आज सब का बुक, सब बुक है, यानी कि अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल पूरा बुक है, ठीक है। सब दिखा रहा ना रेड करके, इसमें कुछ भी खाली नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, सीधे बैक जाएंगे, ठीक है। बैक आ गए हम। अब आयका में चलो। अब हम आएंगे नज़दीक, हमारा आयका मॉल है ना, यानी कि इसको बोलते हैं एवेन्यू, राइट। अच्छा, आपको यहाँ को, हाँ आयका को एवेन्यू बोलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अप्लाई पे दिया ना, अप्लाई पे बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ये फाइल खुल के आ जाता है, ठीक है। ये खुलने के बाद हमारा 3 मार्च का दिखा रहा है पूरा, क्या 30 में 30 बुक है, यहाँ पे 30 का कैपेसिटी गया, ठीक है। यहाँ पे भी 7 मार्च का पूरा बुक है, इसलिए आपका नहीं हो सकता, ठीक है, अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं होगा क्योंकि ये पूरा बुक है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद वाला देखो, 7 के बाद नहीं दिखा रहा इसमें, इस वाले में दिखा रहा हमारा जहरा, देख लेते हैं जहरा, उतना दूर थोड़ी जाना है यार, तो फरवानिया देख लें क्या, नहीं खाली चेक कर सकते हैं। अलहमदी देख सकेंगे, अलहमदी 360 मॉल कहाँ पर देखा जाए बताइए। सब फुल है, आपका आईडी रेडी हो गया, जैसे वो खुलेगा खाली होगा ना, क्लिक करेंगे आपको कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है, ठीक है। और किस कहाँ पे देखें बताइए, फरवानिया हम देख लेते हैं एक बार, फरवानिया अहमदी कोट इधर है ना, हो नहीं नहीं फरवानिया इसको बोलते हैं, अहमदी कोट नहीं, वो आगे होगा, अहमदी कोट तो इधर ना हो गया, फाइल जाए में मिलता है, क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद जैसे देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे 4-5 दिन तक, यहाँ 14 तारीख तक दिखा रहा है बुक है। बुक मतलब नहीं नहीं भाई, मैं एक संडे, तीन आज संडे है ना, 3 तारीख में पूरा बुक है, ठीक है। 90 यहाँ पे कैपेसिटी दिया है। अब यहाँ जाएंगे 11 तारीख में, यानी कि 11 मार्च में, और इस बात का ध्यान है 11 मार्च में 10 बजे से ओपन होगा 4:30 बजे तक, क्योंकि 11 तारीख से रमजान स्टार्ट हो रहा ना, तो बहुत ही बड़ी चीज़ है कि 10:30 से लेकर 4:30 बजे तक ओपन रहेगा, ठीक है, उसके बाद नहीं खुलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा बुक है, फुल है, यहाँ पर क्या पूरा बुक, हाँ 10 से 4:30 बजे तक, 11 तारीख से लेकर के 10 से लेकर 4:30 बजे तक खुलेगा, ठीक है। तो आपका पूरा बुक है, फरमानिया देखो, फरमानिया देख लेते हैं, मेरे ख्याल से कोई किसी में भी जगह नहीं होगा, ठीक है, फरमानिया, क्योंकि पूरा भी यहाँ कंपल्सरी कर दिया ना, सबको करना है, या फरमानिया पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे खुल गया, ठीक है, फरमानिया ओके, आज 3 तारीख का पूरा बुक है, 90 बुक ओके। सीधे बढ़ते हैं 13 तारीख में, तो यहाँ पूरा क्या है बुक, जैसे ही आपका खाली रहेगा ना, तो बुक ऑलरेडी आया ना, तो यही पर हम टाइमिंग आपको 3-4-5 पूछेगा, हम क्लिक कर देंगे, अपने आप का हो जाएगा उसी टाइम में वर्कमेंटिंग बुक, तो ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे हो गया, आईडी आपका रेडी हो गया, ठीक है। और देखिए सब कुछ नहीं करना है, कोई मोबाइल में भी जाएंगे तो ओपन हो जाएगा, खाली पासवर्ड याद रखना आपको, ठीक है, पासवर्ड। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे बैग जाता हूँ, कोई फायदा नहीं, सब फुल है, और रमजान की वजह से है ना,
अब मैं क्या ईद बाद यहाँ से क्या करते हैं, इसको लॉग आउट कर देते हैं, ठीक है। सो ऑल नोटिफिकेशन, ये आपका है लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं लॉग आउट का बटन दिया है, अब इसे कोई खोल नहीं सकता। तो ऐसे हमारा हो गया काम खत्म।